क्या बात है, कम बा धावस्था पुलिस से तिल चला रोल रोल। सर रोशन फैमिली को ट्रिप दिया जा रहा है इस मौके पर, हम सब यहाँ पे प्रेजेंट हैं, आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं आज की शाम को लेकर? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि राजेश रोशन जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है। राजेश रोशन जी की जो पहली फिल्म आई थी जूली, उसके पोस्टर्स मैंने पेंट किए थे मुंबई में। मेरे पिताजी का बिजनेस था एनआर भोसले आर्ट्स, तो मुंबई में हाईवेज पे थिएटर्स पे मेरे लगे थे बैनर्स, तो तब से राजेश रोशन जी के साथ मेरा संबंध है। और राजेश रोशन जी के लिए मैंने किंग अंकल में जैकी श्रॉफ के सारे गाने गाए थे। फैनी ने मुझे बुलाया मैं चला आया, जब वो शर्मा के हंसी तो नशा छाया। और ऑफ कोर्स उसके बाद राजू जी के साथ बहुत शोज़ किए, द मोस्ट मेलोडियस म्यूज़िक डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। एंड आज बहुत खुश हूँ कि मैं राजू जी के और मेरे गुरु किशोरदा के गाने गाऊँगा, सारा ज़माना, परदेसिया और अंग्रेज़ी में कहते वगैरह वगैरह। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा क्योंकि आपके सुपरस्टार खड़े हैं सामने। सारा जमाना रितिका है दीवाना, जमाना कहे फिर क्यों बुरा है दिल लगाना। प्लीज जोरदार, थैंक यू। चाचा आ रहे हैं, एक मिनट सर, एक तब तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, प्लेजर। चाचा कम जी, मैं तो हिस्सा हूँ ही बचपन से। आई थिंक आज सबसे ज़्यादा जो खुश है वो शायद मैं ही हूँ, क्योंकि अपने चाचा का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं, दुनिया में सबसे बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो जूली, कुंवारा बाप से लेकर कहो ना प्यार है और काबिल तक, मुझे मेरे हिसाब से जो मिठास और जो नशा मेरे चाचा के गानों में है वो किसी भी और संगीतकार के गानों में नहीं है। फैंटास्टिक, नहीं है, सुपर। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हो रही है आज। और बचपन में मुझे याद है मैं अपने चाचा का पीछा ही नहीं छोड़ता था मैं। चाचा के कमरे में मैं सोता था, चाचा के बाथरूम में मैं नहाता था। तो और कभी कभी चाचा मेरे पास में आते थे और मुझे पूछते थे कि डुगू ये म्यूज़िक पीस अच्छा है कि ये वाला अच्छा है। और ये एक इंसिडेंट मुझे याद है, वो याराना फिल्म का संगीत रिकॉर्ड हो रहा था और चाचा मेरे पास आए और मुझे पूछा कि इस गाने में मैं ये रखूं कि ये रखूं। तो आज तक आई फील वेरी वेरी प्राउड कि याराना का जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है तेरे जैसा यार, उस गाने में मेरा भी थोड़ा योगदान है। तो आई फील वेरी वेरी प्राउड, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अपने चाचा का भतीजा हूँ। तो सबसे इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी एंड आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड। हो मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के प्यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जितना भी आता है मैंने गा दिया है, बट थैंक यू। अरे हाँ, कौन है? पर इतनी आवाज़ है, कुछ सुनाई दे रहा है आप लोगों पर? आप आवाज़ सुनाई दे रहे हैं, हाँ तो बोलिए क्या क्या कहना है? जी ये जो प्यार मिल रहा है लोगों से रोशन खानदान को, जो मेरे फादर ने
बहुत मुश्किल से शुरू की थी अपनी जर्नी। तो दिल्ली से आए थे, जल तरंग बजाते थे दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो। में रहते थे हुसैन लाल भगत राम जी के गैराज में, मैं उस वक्त ही पैदा हुआ था। तो वो बीच में चले गए और उन्होंने गाना गुनगुना रहे थे, तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं मालिक अब उठा ले। उस वक्त गीता शर्मा जी वापस आए और बोले, रोशन तुम कहाँ जा रहे हो? बोले, मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। बोले, नहीं मैं और एक पिक्चर बना रहा हूँ राज कपूर का, उसमें आपने मुझे घेरा है। और फिर उस पिक्चर में ये गाना दिया कि तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। देखिए कोई भी म्यूजिकल इवनिंग बहुत अच्छी लगती है। द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग अबाउट एनीथिंग एनी इवनिंग इज अ म्यूजिकल इवनिंग। और ये मेरा बहुत पुराना यार है और इसका छोटा भाई मेरे छोटे भाई जैसा है और बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है और इतना बढ़िया म्यूजिक उसने दिया, आप सुन रहे हैं एक से एक गाना बढ़िया है। ऐसी शाम बिताना इज लाइक गोइंग टू हेवन। क्योंकि राकेश जी की एक खास बात यह है कि उनकी जो गाने जो धुन रहती है वो हिंदुस्तान के रूट से जुड़ी हुई रहती है। देखा जाए तो मंडे की आपको सुनाई नहीं दे रही आपकी, उनकी जो भी धुन रहती है वो हिंदुस्तान की रूट रहती है उससे जुड़ी हुई रहती है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी भी मुझे अभी भी सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? Incomplete if I don't give love and tell you all about a few of my family members who have actually made me my beautiful niece Krishna. I love you all so much. I love my family so much. Thank you so much for, I'm just thankful to God that I was blessed with a family that with being so simple are so full of love and have been taught by my father to work very, very hard. So I just feel so much gratitude right now and I am absolutely fantastic on stage by the way. I didn't know you could be so funny. Thank you. That is your question. बस एक ही लाइन में सवाल करूँगा कि कितना सही लिखा था, कितना सही गाना था वो, रहे ना रहे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो आज फिर राजेश ने वो महक सारी दुनिया में फैला दी है और ये मैं चाहता हूँ कि ये और भी आगे जाए, इतने आगे जाए कि जादू की दुनिया तक चले जाए। आप सुरेश जी को प्लीज रेसिडेंट कीजिए। वीना जी प्लीज कम टू रेसिडेंट। जीतू जी प्लीज, जितेंद्र जी, नमिता, नमिता जी प्लीज आइए। राकेश जी को सूर्य जी वंस अगेन आपसे गुजारिश है कि आप राजेश जी को रेसिडेंट कीजिए। निरुपमा जी प्लीज, मोहम्मद अजीज साहब को प्लीज फेलिसिटेट कीजिए। अच्छा आ गया, नहीं बोरस। थैंक यू सो सो मच। दैट वाज अ सूर्य से ना प्रेजेंट रोशन से रोशन तक। एडमिशन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मुझे जाने का मन नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है अभी तो शाम जवान है, 30-40 गाने और होने चाहिए। तो आज नहीं तो रोशन से रोशन तक पार्ट टू में जरूर मिलेगा। तेरे जैसा यार कहाँ। गुड नाइट, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। रोशन से रोशन तक, और ये खानदान हमेशा इसी तरह से रोशन रहे। अनिरुद्ध